पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। वहीं टीएमसी की नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी इस हद तक दुश्मनी निकालने को उतारू हो गई हैं कि बेकसूर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार रात प्रियंका शर्मा नाम की एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को सिर्फ एक मीम शेयर करने पर ममता बनर्जी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं ममता की इस हरकत को लेकर उनकी पूरे देश में आलोचना हो रही है, क्योंकि मीम शेयर करना कोई इतना बड़ा भी अपराध नहीं है कि किसी को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया जाए। वहीं एक महिला होकर किसी दूसरी महिला के प्रति इतनी दुश्मनी का भाव रखना, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्षी पार्टी से संबंध रखती है, सरासर गलत है। जिस फोटो को प्रियंका ने शेयर किया है वो प्रियंका चोपड़ा की फोटो को एडिट करके बनाई गई है। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर भाजपा ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रियंका शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 500 मानहानि और IT एक्ट की धारा 66A और 67A के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल साइबर क्राइम सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। प्रियंका शर्मा ने गिरफ्तार होने के बाद कहा है कि वो भाजपा से जुड़ी है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं में लगातार झड़प हो रही है, लगातार एक दूसरे के ऊपर निशाना ये लोग साध रहे हैं। वहीं कई लोगों की मौत की खबरें भी इन झड़पों में सामने आई हैं। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी मीम मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वो माफ़ी मांगेंगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें जमानत दे सकते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, वो भी बिना किसी शर्त के। बता दें कि प्रियंका शर्मा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।